मेरी नजर तुम पे हर वक्त है। जल्दी से वो गोली जीते को खिलाओ। मेरी नजर तुम पे हर वक्त है। जल्दी से वो गोली जीते को खिलाओ। क्या करो? जीते को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है कि जनेल जिंदा है। जनेल मुझे दूसरा मौका भी नहीं देगा। राक्षस की सच्चाई बाहर कैसे लाऊं मैं? कहां से आ रहे हो? तुमसे मतलब? पापा जी, इस बार मैं खुद चाहती हूँ कि मैं गलत निकलूं, लेकिन सारे सबूत तो अम्मा की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अम्मा के यहाँ होते हुए मैं जनरल को धोखे में नहीं रख पाऊंगी। गुरमीत मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने सबसे कह तो दिया कि वो घर आ रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो पापा जी फिर से फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करो, किचन में जाओ और वहां एक ग्लास में ठंडा पानी डालो और उस ठंडे पानी के साथ इस गोली को खा लो। जिंदगी भर के लिए ठंडी हो जाओ। मेरी पूरी बात तो सुन लो। चेता मेरे हाथ से कोई भी चीज क्यों खाएगा? और अगर खा भी लेगा तो सारे सबूत मेरे खिलाफ इशारा करेंगे और मेरे थ्रू पुलिस को तुम तक पहुंचने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारा प्लान ही बेकार है। इससे अच्छा मेरा प्लान है। हुण केड़ा प्लान है? पको। जीते को इस घर से बाहर अगर किसी अजनबी के हाथों से मारा जाए तो मुझ पे भी किसी को शक नहीं होगा। और सबकी नजरों में तो तुम तो मर ही चुके हो, तो तुम्हारा नाम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसे मारेगा कौन? हाँ तुम। अगर तुम उसे अपने हाथों से मारोगे तो लोग उसके कातिल को ढूंढेंगे और गलती से भी किसी को भी एक मरे हुए इंसान पे तो शक होगा नहीं। और अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारने का मजा ही कुछ और होगा। क्या कहते?